हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन प्रोग्रामिंग और एसक्यूएल को यूज करके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्डअप करेंगे। पूरी कोडिंग सिखाऊंगा पाइथन और एसक्यूएल दोनों की। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये जो लाइब्रेरी मैनेजर है हमारा, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और अगर गलत पासवर्ड कोई एंटर कर देता है तो फिर से जो है वो करेक्ट पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो आप इस ट्यूटोरियल को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हम डालते रहते हैं। ओके, तो लाइब्रेरी मैनेजर को हमने कर लिया है एक्सेस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज है। तो इस मैनेजर को कैसे मैंने बनाना चालू किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरा लाइब्रेरी मैनेजर इन 5 फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड करेगा, और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि ये 5 फंक्शनैलिटीज को मैं जो है वो 3 पार्ट्स में डिवीजन कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इस वाली टेबल के जरिए हो जाएगा, और इस टेबल को जो है वो मैंने नेम दिया है बुक्स। ओके, और जो मेरा सेकंड पार्ट है वो इशू बुक का है, जो कि इस सेकंड वाली टेबल से हो जाएगा, और जो कि जो थर्ड पार्ट है वो इस थर्ड वाली टेबल से हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि 3 टेबल्स हमको एसक्यूएल में बनानी है, और ये तीनों ही टेबल्स में 4-4 कॉलम है। बुक नेम, बुक कोड, टोटल कितने बुक सबमिट करी जा रही है किसी पर्टिकुलर राइटर या सब्जेक्ट की, और क्या सब्जेक्ट है उस बुक का। नेक्स्ट जो है, अगर कोई पर्सन स्टूडेंट इशू करवा रहा है तो उसका नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कॉलेज का, बुक का कोड क्या है, और इशू की डेट क्या है। नेक्स्ट जो है, सबमिट अगर कर रहा है तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का कोड और सबमिट की डेट। तो ये तीन पार्ट्स आप समझ गए अच्छे से। तो इसके बाद हमने करा है एसक्यूएल को स्टार्ट। ठीक है, पाइथन की कोडिंग करेंगे लेकिन एसक्यूएल में टेबल क्रिएट कर लेंगे उसके बाद। तो देखो, जो हम एसक्यूएल का सर्वर है, अगर आपने सेटअप नहीं करा है तो मेक श्योर कि आप एसक्यूएल के सर्वर को सेटअप कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर। और इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो मैं जिस डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ उस डेटाबेस का नाम है लाइब्रेरी। ठीक है, इस डेटाबेस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने जो है वो टेबल्स बना रखी हैं, बुक्स, इशू, सबमिट। ओके, तो आप अपने जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो आप डेटाबेस कैसे बनाएंगे, जैसे ही आप सर्वर को स्टार्ट कर लें तो आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस। ओके, और जो आपका डेटाबेस का नाम है वो आप नाम दे देना। मेरा ऑलरेडी लाइब्रेरी वाला डेटाबेस है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक सेकेंड डेटाबेस बना के दिखा देता हूँ, लाइब्रेरी 1। ओके, और इस डेटाबेस में हमको क्या करना है, एसक्यूएल की कोडिंग करनी है। तो पहली जो हमारी टेबल है, इस टेबल में एज यू कैन सी 4 कॉलम है, बुक नेम, बुक कोड, टोटल और सब्जेक्ट। तो इस वाले डेटाबेस में मैं पहली टेबल बना देता हूँ, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हम रख देते हैं बुक्स। ओके, और बुक नेम, बुक कोड, ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। अब इसके बाद पहला आ जाएगा बुक नेम, और बुक नेम में डेटा टाइप रहेगा वेर कैर, मतलब स्ट्रिंग टाइप का, और बुक नेम में हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स रख देते हैं। उसके बाद बुक कोड, जिसमें भी डेटा टाइप हमारा रहेगा वेर कैर, और इसमें 10 कैरेक्टर्स रख देते हैं। उसके बाद टोटल कितनी बुक्स आई हैं, तो इसको हम इंटीजर टाइप का दे देते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी ने इशू कराई है तो बुक्स वाली टेबल में अपडेट किया जाएगा कि मान लो टोटल बुक्स 10 थी, किसी ने इशू करा ली तो 9 रह गई, तो इसको इंटीजर टाइप का रखना है हमको। उसके बाद सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट हमको कैसा रखना है, वेर कैर टाइप का रखना है, और इसको हम दे देते हैं 50 कैरेक्टर्स। ओके, तो जो बुक्स वाला है वो ऑलरेडी बना हुआ क्यों शो कर रहा है, इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी मैंने जो डेटाबेस है वो लाइब्रेरी वाला सेलेक्ट कर रखा है। हालांकि मैंने लाइब्रेरी 1 वाला क्रिएट कर दिया था लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं करा था, तो क्या करना, लाइब्रेरी 1 वाले को सेलेक्ट कर लिया। अब वापस इसी एसक्यूएल क्वेरी को लगाते हैं, तो देखो जो बुक्स वाली जो टेबल है वो लाइब्रेरी 1 वाले डेटाबेस में बन गई है। मेरे समझाने का मतलब आप समझ गए, आप जिस डेटाबेस में काम कर रहे हो आपको उसे सेलेक्ट करना है। अब दूसरी वाली टेबल बना लेते हैं, और इस वाली टेबल में क्या रहेगा, हमारा इशू वाली डिटेल्स रहेंगी। इस टेबल को हम नाम दे देते हैं इशू, जिसमें रहेगा स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक कोड और इशू डेट। ओके,
तो यहाँ पर हम रख देते हैं नेम, कॉलम के नेम्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में हम मैक्सिमम 10 करेक्टर्स रख लेते हैं। उसके बाद आएगा बुक कोड कि कौन सी बुक को जो स्टूडेंट है वो इशू करा रहा है, क्योंकि हर एक जो बुक होगी उसका जो कोड होगा है ना वो यूनिक ही होगा, इशू डेट। ऐसे ही जो है वो हम सबमिट वाली टेबल भी बना लेते हैं। टोटल जो है वो हमको 3 टेबल्स बनानी है, और जस्ट सबमिट लिख दिया हमने, नेम वेर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर और बी कोड, ये ऐसे ही रहेगा पूरा सेम। जो है क्वेरी बिल्कुल वही रहेगी, बस इधर सबमिट रखना है हमको, क्योंकि सबमिट, अब कोई स्टूडेंट सबमिट करता है कोई बुक को वापस करने आया है, तो क्या होगा, वापस जो बुक्स वाली जो टेबल है वो अपडेट हो जाएगी। तो तीनों टेबल्स मेरी बन के रेडी हैं। अब ध्यान रखना कि आपने अपना प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस किस नाम से बनाया है, और टेबल्स का नाम क्या रखा है, और उन टेबल्स के कॉलम का नेम क्या रखा है। देखो अगर आप बिल्कुल सेम मेरे जैसा करेंगे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस कोडिंग में हमको वही नेम्स यूज करने हैं, क्लियर। बस यहां पर अब देखो ये कोडिंग कैसे स्टार्ट हुई है। सबसे मेन चीज है कि हमको माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है पाइथन को, तो इसके लिए माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर ये इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसको कैसे इंस्टॉल करोगे, सी एम डी आप ओपन कर लोगे, सी एम डी ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है, ये लिख देना और एंटर प्रेस कर देना। इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी जो है वो कनेक्टर इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इम्पोर्ट करा, शॉर्ट नेम दे दिया ए। अब इस लाइब्रेरी का फंक्शन है कनेक्ट, जिसके जरिए कनेक्ट होगा इन 4 आर्ग्यूमेंट्स के जरिए। ये 4 आर्ग्यूमेंट हैं, होस्ट लोकल होस्ट हमारे कंप्यूटर पर ही है, यूजर नेम देखो क्या रखना है, यूजर नेम वो रखना है जब आप माई एसक्यूएल के सर्वर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करोगे तो जो आपने यूजर नेम दिया होगा वो रखना है, अदरवाइज आप रूट रखना। पासवर्ड वही जो आप पासवर्ड सेट करोगे, और डेटाबेस का नाम रखना है जिस डेटाबेस में आपकी टेबल्स हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मेरी जो ओरिजिनल टेबल्स हैं वो लाइब्रेरी वाले में, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने लाइब्रेरी 1 वाला अलग से एक डेटाबेस बनाया और उसमें दूसरी टेबल्स बनाई, हालांकि हम लाइब्रेरी वाले डेटाबेस की ही टेबल्स यूज करेंगे। इतना करने के बाद हमने बनाए हुए हैं कुछ फंक्शंस। ओवरऑल ये सारे फंक्शंस में सबसे जो लास्ट वाली लाइन है वो है हमारा मेन प्रोग्राम, और बाकी सारे क्या हैं, फंक्शंस। ये जितने भी फंक्शन हैं वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ऊपर की ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, पाइथन एसक्यूएल से कनेक्ट हो जाएगा, फिर डायरेक्ट जो एग्जीक्यूशन है वो मेन प्रोग्राम पर आ जाएगा, पासवर्ड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। पासवर्ड फंक्शन कॉल होने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो PSWD नाम है, इसमें यूजर से एंटर पासवर्ड पूछा गया है, और पासवर्ड मैंने अपने इस कोडिंग में लगा रखा है ये। अगर यूजर PS के अंदर ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एंटर करता है तो मेन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और अगर मान लो यूजर कुछ और एंटर करता है तो रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट हो जाएगा, और वापस पासवर्ड फंक्शन कॉल होगा, और जब वापस पासवर्ड फंक्शन कॉल होगा तो फिर से पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं आपको ये शो कर देता हूँ एक बार, है ना, जैसे कि ये देखो गलत पासवर्ड एंटर करा तो दोबारा से एंटर पासवर्ड बोला गया, फिर गलत पासवर्ड तो दोबारा से, ये इस तरीके से है, ठीक है, जब तक करेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं किया जाएगा। करेक्ट पासवर्ड एंटर करने के बाद मेन फंक्शन कॉल होगा। अब मेन फंक्शन में क्या फंक्शनैलिटी है, मेन फंक्शन में हमने ये स्ट्रिंग एक तो शो कर दिया, मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग है तो ट्रिपल कोट्स में रखा है, और इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग कर दी है, ये 5 फंक्शनैलिटीज हमने शो कर दी। और उसके बाद यूजर से चॉइस ले ली कि क्या टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके बाद ये स्ट्रिंग हमने शो कर दी, मतलब थोड़ा डिस्प्ले अच्छा लगे। अब मान लो यूजर 1 एंटर कर सकता है, 2, 3, 4, 5, उसके अकॉर्डिंग हमने इफ एलिफ एल्स कंडीशन लगाई है, ओके। अब 1 एंटर करता है तो एड बुक फंक्शन कॉल होगा, 2 एंटर करता है तो इशू बुक, और अगर 3 एंटर करता है तो सबमिट वाला, और 4 एंटर करता है तो डी बुक मतलब डिलीट बुक वाला फंक्शन, और अगर 5 एंटर करता है तो डिस्प्ले बुक वाला फंक्शन, है ना। तो ये पांचों ही फंक्शन इन फंक्शनैलिटीज के अकॉर्डिंग है, और अगर कुछ और एंटर कर देता है तो वापस क्या होगा, मेन जो फंक्शन है, मान लो 6 एंटर कर दिया, 7 एंटर कर दिया, तो मेन वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा रॉन्ग चॉइस प्रिंट करने के बाद, क्लियर है ना। अब देखो, अब ये इन फंक्शनैलिटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ऊपर के फंक्शन बने हुए हैं, ये नीचे के आपको 2 फंक्शन समझ में आ गए, PSWD और मेन फंक्शन। सपोज यूजर ने 1 ऐड करा, है ना, तो क्या होगा, बुक
ऐड कर दिए हैं हमको हमारे डेटाबेस में। तो एक एक करके अब इन फंक्शनैलिटीज के फंक्शंस जो बनाए हुए हैं इनको समझ लेते हैं। तो ऐड बुक करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैंने क्या करे चार वेरिएबल्स लिए, जिसमें मैंने इनपुट के जरिए यूजर से क्या करूंगा, मैं बुक का नाम ले लूंगा, बुक का कोड ले लूंगा, टोटल कितनी बुक्स लाइब्रेरी में हम जमा कर रहे हैं, मतलब लाइब्रेरी का जो ओनर है वो कितनी बुक्स को रख रहा है, और सब्जेक्ट क्या है उन बुक का, वो हमने ले लिया। फिर इन चारों ही वेरिएबल्स की बना ली हमने एक ट्यूपल, ओके। और इन ट्यूपल की बनाने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया और एसक्यूएल की क्वेरी लिख दी, इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज और 4% एस लिख दिए, वो इन चारों वैल्यूज को डिनोट करता है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो हुआ है पाइथन MySQL कनेक्शन की, हम एसक्यूएल की क्वेरीज को पाइथन में किस तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अगर आपने ये वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है पाइथन MySQL कनेक्शन का, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे हुए हैं, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप उन ट्यूटोरियल्स को समझ लेना। तो क्वेरी लिखने के बाद बनाते हैं कनेक्शन वाले वेरिएबल के साथ कर्सर, इस कर्सर के जरिए हम जो क्वेरीज हैं वो एग्जीक्यूट करवाएंगे, है ना। कर्सर आप देख रहे हो कनेक्शन वाले वेरिएबल कौन के साथ बनाया हुआ है, और कर्सर के जरिए हमने एग्जीक्यूट करवाया, एसक्यूएल रखा, एसक्यूएल की क्वेरी रखी यहाँ पर, और डेटा रख दिया, डेटा में ये चारों वैल्यूज है। तो एज यू कैन सी ये रखा है और ये रखा हुआ है। तो उसके बाद जब हम सर्वर में कुछ राइट करवाएंगे पाइथन के जरिए, तो कनेक्शन के साथ हमको कॉमिट फंक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। कॉमिट के जरिए ही डेटा राइट होगा, और जब कुछ अपडेट करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं, तब भी हमको कॉमिट फंक्शन लगाना पड़ता है। तो अब उसके बाद जब हम डेटा राइट करवा दिया, मान लो न्यू बुक ऐड हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी, फिर डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली और वापस मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो मैं अब आपको दिखाता हूँ, पासवर्ड जो है वो हमने एंटर कर दिया, करेक्ट पासवर्ड, एक न्यू बुक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे अमित अग्रवाल, ओके। और इस बुक का कोड हम दे देते हैं 1567, ओके। और टोटल जो है वो 10 बुक्स हम अपडेट कर रहे हैं, 10 बुक्स रख रहे हैं लाइब्रेरी में, सब्जेक्ट हम रख देते हैं इसका फिजिक्स, ओके। तो एज यू कैन सी डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो वापस मेन फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब अब यूजर फिर से कोई न्यू टास्क कर सकता है, तो है ना कितनी बढ़िया चीज। तो अब मान लो यूजर ने एंटर कर दिया इशू बुक वाला कोड, है ना, इशू बुक वाला कोड एंटर कर दिया 2, तो आप जानते हो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन को समझ लो, है ना, क्योंकि इशू बुक और सबमिट बुक बिल्कुल दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है। तो इशू बुक में क्या हुआ है, सबसे पहले 4 वेरिएबल्स लिया, जिसमें हमने बुक स्टूडेंट का नेम लिया, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी बुक इशू करा रहे हैं और किस डेट को इशू करा रहे हैं वो ले लिया। वापस हमने इंसर्ट इनटू इशू वैल्यूज एसक्यूएल क्वेरी बनाई, इशू जो है वो आप जानते हो हमारी क्या है, टेबल का नाम है, और वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी परसेंट एस के जरिए, और वैल्यूज की जो है, जो ऊपर हमने वेरिएबल्स लिए थे, मतलब कि नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का कोड और डेट, इनकी हमने ट्यूपल बनाई, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट फंक्शन लगाया और क्वेरी रख दी और वैल्यूज रख दी इधर, क्लियर। कॉमिट फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग प्रिंट करी और प्रिंट कर दिया कि बुक किसको इशू करी गई है, और उसका वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल में है उस स्टूडेंट का नेम जिसको बुक इशू करी गई है। अब यहाँ पर आप देखो, इतना तो हो गया कि हाँ भाई हमने सर्वर में डेटा डाल दिया कि किसको बुक इशू करी गई है, किस डेट को इशू करी गई है, है ना, ये डिटेल्स हो गई। लेकिन हमको एक चीज़ और करनी है, मान लो किसी स्टूडेंट ने बुक इशू कराई, तो क्या करना पड़ेगा, जो बुक्स वाली टेबल है, जो बुक्स वाली टेबल है उसमें अपडेट करवाना पड़ेगा ना। मान लो 10 बुक थी अमित अग्रवाल वाली जो अभी हमने अपडेट करी थी, तो उसमें से 9 बुक रह गई हैं, समझ गए मेरी बात। तो उसके लिए हमने बनाया है बुक अप फंक्शन, ठीक है, बुक अप फंक्शन। ऐसे ही सबमिट बुक के लिए एक फंक्शन है, बिल्कुल ये फंक्शन सेम है, हमने डिटेल्स ले ली, स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुक का डेट और सबमिट वाली डेट, क्वेरी बनाई, डेटा बनाया ट्यूपल में, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट किया, कॉमिट फंक्शन लगाया, ये स्ट्रिंग लगाई और बुक सबमिटेड फ्रॉम लिख दिया, और वापस बुकअप जो है वो फंक्शन हमने कॉल किया। तो ये दोनों फंक्शन आप समझ गए, इशू बुक और सबमिट बुक। अब बात आती है कि जैसे ही कोई बुक इशू हुई या कोई बुक सबमिट हुई, तो हर बार बुकअप फंक्शन कॉल होगा, है ना। तो मान लो कोई बुक इशू करा दी गई है, तो इतना तो डिटेल्स चली गई इशू वाली टेबल में, अब क्या करना है,
हमको अपडेट करानी है बुक वाली टेबल। अब बुकअप फंक्शन में क्या दे रखा है, सिंपल हमको क्या करना है, जो बुक्स वाली टेबल में टोटल वाला जो कॉलम है ना, बुक वाली टेबल में टोटल वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको डिस्क्राइब बुक्स, ठीक है। तो टोटल वाला जो कॉलम है जिसमें कि टोटल जो बुक्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वो रखी गई है, तो मैं दिखा देता हूँ अभी अमित अग्रवाल वाली जो है वो अपडेट हो गई होगी। अच्छा मेरे को ओरिजिनल वाला अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें है अपडेट्स, है ना। तो देखो आर एस अग्रवाल ऑलरेडी पहले का था और अमित अग्रवाल अभी आप जानते हो मैंने अभी ऐड किया है। तो अगर मैं कोई बुक इशू कराऊंगा तो यहाँ पर अमित अग्रवाल में 10 की जगह 9 होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो जो ओरिजिनल जो वैल्यू है ना, टोटल वाली, टोटल कॉलम वाली, उसे मैंने फैच कर लिया, सेलेक्ट टोटल फ्रॉम बुक्स वेयर बुक का कोड ये, क्लियर। क्योंकि बुक का कोड कैसे आया, सिंपल जब बुक इशू कराई बुक का कोड भेजा है और -1, ठीक है। क्योंकि बुक इशू कराई है तो एक बुक हमको डिडक्ट करनी है बुक्स वाली टेबल में से, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर बुकअप फंक्शन में दो वैल्यूज आ गई, एक तो अपडेट वाली और एक बुक का कोड। तो बुक के कोड की हमने ट्यूबल बना ली, एसक्यूएल क्वेरी मैंने आपको बताई दिया था, उसके बाद कर्सर बनाया, एग्जीक्यूट करवाया। अब इसके बाद क्या हुआ है कि सी के अंदर क्या आएगा भाई, सी के अंदर जब जो एसक्यूएल क्वेरी है ए के अंदर, उस क्वेरी में जो कमांड दी गई है वो क्या काम कर रही है, टोटल वाली जो वैल्यू है वही तो फैच कर रही है, टोटल वाली जो वैल्यू है वही तो फैच कर रही है। तो वो वैल्यू सी के अंदर आ जाएगी। अब सी के अंदर पता है किस तरीके से आएगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, सी के अंदर आएगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हो कि बुक का कोड भेजा है तो एक ही रो सेलेक्ट होगी, क्योंकि हर एक बुक का जो है वो यूनिक कोड है। तो टोटल वाला जो कॉलम है वहाँ एक ही वैल्यू आएगी, है ना, 10। सी के अंदर फैच वन लगाया, फैच वन फंक्शन जो है वो हमारा क्या करता है, जो डेटा सी के अंदर आएगा ना, मान लो 4 रोज हैं 5 रोज हैं, तो फैच वन के जरिए सबसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट वाला जो होगा वो माई रिजल्ट में आ गया सी डॉट फैच वन के जरिए। अब ये ट्यूबल है जिसमें जीरो इंडेक्स पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है, यहाँ पर जीरो इंडेक्स लगाया मैंने माई रिजल्ट में और यू को प्लस कर दिया, यू के अंदर जो है वो या तो 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। अगर बुक इशू के जरिए फंक्शन कॉल हुआ है तो क्या होगा, -1 आएगा, और अगर बुक सबमिट के जरिए फंक्शन कॉल हुआ है तो प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है, इधर यू के अंदर एज ए पैरामीटर। तो ऑलरेडी आप जानते हो बुक इशू हुई है तो क्या होगा, -1 यहाँ पर हो जाएगा, और अगर बुक सबमिट हुई है तो +1 हो जाएगा, और जो टोटल नंबर है टी के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ओरिजिनल टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो इसमें आए जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो +1 या -1 होकर टी के अंदर हो जाएगा, और हम क्या कराएंगे, एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे, अपडेट बुक्स, बुक्स वाली टेबल को अपडेट कराएंगे, जो टोटल वाला कॉलम है वहाँ पर परसेंटेज वैल्यू रख दी, जहाँ पर बुक का कोड है %S, ठीक है। बुक का कोड ऑलरेडी सी ओ के अंदर आ चुका है, तो हमने क्या करा, पहले जो है बुक का टोटल नंबर, उसके बाद बुक का कोड, तो उसी के सीक्वेंस में हमने टी लिखा और कॉमा बुक का कोड लिखा, डी के अंदर लगाया, फिर से एग्जीक्यूट कराया, कमिट कराया। और ध्यान रखो जैसे ही बुकअप फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा। तो इसीलिए मैंने क्या करा है, इशू बुक वाले और सबमिट बुक वाले फंक्शन में मेन फंक्शन नहीं लिखा है, क्योंकि मेन फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब बुकअप फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए, एड बुक्स, इशू बुक, सबमिट बुक। तो एक बार हम इशू बुक और सबमिट बुक करके देख लेते हैं। ओके, तो बुक इशू कराते हैं, तो बुक कौन सी इशू कराएं, अमित अग्रवाल बुक इशू करा लेते हैं जिसका कोड हमने दिया था 1567। ओके, तो स्टूडेंट का नेम हमको पहले लिखना है, स्टूडेंट का नाम हम दे देते हैं रोहित, और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो सपोज उस जिस कॉलेज के लिए हमने लाइब्रेरी मैनेजर बनाया है उन वहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है RG से। ओके, अब एंटर बुक कोड, बुक कोड हमने दिया था 1567। ओके, तो 1567 हमने रखा, डेट हमने रख दी, और उसके बाद एज यू कैन सी बुक इशूड टू रोहित, ये हो गया है। SQL के सर्वर में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि जो अमित अग्रवाल वाली बुक है वो क्या हो गई है, एक काम दिखा रहा है स्कूल के डेटाबेस में, है ना। और जो इशू वाली जो टेबल है उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो
वहां पर एक स्टूडेंट ने इशू करवा लिया, तो एज यू कैन सी रोहित ने इशू करवाई है। अब सपोज कोई स्टूडेंट है वो क्या करवा रहा है, मतलब रोहित वापस बुक करने आया है, तो क्या होगा यहाँ पर थ्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट का नाम हमको लिख देना है रोहित। ओके, जहाँ तक है कैपिटल में यूज़ करना सारी चीज़ें। और रजिस्ट्रेशन नंबर है रोहित का RG198 76, जो हमने ऊपर एंटर करा था RG1876। ओके, बुक का कोड कौन सी बुक वापस करनी है, तो 1567, और जिस डेट को करना है तो 10/10/2020। ओके, तो बुक सबमिटेड फ्रॉम रोहित, तो चेक कर लेते हैं हम SUBMIT। तो एज यू कैन सी सबमिट वाले में भी डेटा आ रहा है, और चेक कर लेते हैं बुक्स वाले, तो वापस जो अमित अग्रवाल बुक है वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। क्लियर, तो ये सारी कोडिंग आपको समझ में आई। अब कोई बुक अगर डिलीट करानी है तो क्या होगा, चॉइस नंबर 4 होगी और डिलीट बुक फंक्शन कॉल होगा, और डिलीट बुक फंक्शन में आप देखो बुक का कोड ले लिया, एसक्यूएल क्वेरी लगा दी, डिलीट फ्रॉम बुक्स, क्योंकि बुक्स वाली डेल में से डिलीट करना है, और जो बुक का कोड लिखा है वो डिलीट हो जाएगी, वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और बुक के कोड का हमने एक सिंगल आइटम का ट्यूपल बनाया, कर्सर लगाया, एग्जीक्यूट लगाया और कमिट कर दिया, वापस मेन फंक्शन कॉल करा। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है डिस्प्ले बुक करने वाला, तो डिस्प्ले बुक करने वाला क्या फंक्शन है कि जितनी भी बुक्स वाला जो डेटाबेस है वो डिस्प्ले करना। तो सिंपल क्वेरी बनाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, कर्सर बनाया, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा दिया, फैच ऑल फंक्शन लगाया कर्सर में, फैच ऑल के जरिए क्या होगा, सारी रोज जो होंगी वो आ जाएंगी माय रिजल्ट में। तो माय रिजल्ट में करंटली कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, क्योंकि हमारी बुक्स वाली टेबल में 2 बुक्स हमने अपडेट करवाई हैं अभी। तो माय रिजल्ट में हमने ट्रावर्सिंग करी है, ट्रावर्सिंग मींस माय रिजल्ट में जो भी डेटा है वो एक एक करके एक्सेस करा है, और वो सारा डेटा एक एक करके आई में आ जाएगा माय रिजल्ट, उसमें बनेगी एक लिस्ट, ठीक है, और उस लिस्ट में बनेंगी हमारी 2 ट्यूपल्स, उस लिस्ट में बनेंगे हमारी 2 ट्यूपल्स, और उस दोनों ट्यूपल में ये सपोज डेटा है हमारा फर्स्ट वाली रो का, फर्स्ट वाली बुक की डिटेल्स का, और ये वाला डेटा रहेगा हमारी सेकंड वाली बुक की डिटेल्स का। तो हालांकि दिस इज बुक नेम, बुक कोड, टोटल नंबर ऑफ बुक्स और सब्जेक्ट, ये है। तो जब लूप फर्स्ट टाइम चला तो आई को क्या मिल जाएगा, ये वाली ट्यूपल मिल जाएगी, और इस ट्यूपल में 4 वैल्यूज हैं, तो I0, I1, I2, I3 करके मैंने चारों वैल्यूज प्रिंट करवा दी, और ये स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, और वापस क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर, और ऑलरेडी आप जानते हो जितनी रोज हैं उतनी यहाँ पर ट्यूपल्स बनेंगी, और उतनी बार लूप चलेगा, तो जितनी भी बुक्स होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं PY143 और उसके बाद डिस्प्ले बुक्स। तो एज यू कैन सी कि 2 बुक्स हैं, RS अग्रवाल और अमित अग्रवाल, इन दोनों ही बुक की जो डिटेल्स हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो डिस्प्ले बुक करने के बाद हमने क्या करा है, मेन फंक्शन को कॉल करा है। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स ये पूरा प्रोजेक्ट, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ईजी और बहुत कम टाइम में ये प्रोजेक्ट आपका बन के रेडी हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को लाइक करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने MySQL इन 1 वीडियो, पाइथन MySQL कनेक्टिविटी के ऊपर के जो ट्यूटोरियल्स हैं वो अगर आपने नहीं देखे हैं, देख लेना, पूरा एक एक ट्यूटोरियल में मैंने समझाया हुआ। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।